लड़कियों के लिए पिंक और लड़कों के लिए ब्लू, क्यों? किसी स्टोर में जाकर कहिए कि एक 5 साल के बच्चे के लिए गिफ्ट चाहिए। सर, लड़का या लड़की? अरे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है लड़का या लड़की? पड़ता है ना, लड़की होगी तो डॉल्स मिलेंगी, उसे सजाने के लिए अच्छे अच्छे कलरफुल क्लिप्स मिलेंगे, लड़का होगा तो कार्स, रोबोट्स, वीडियो गेम्स वगैरह। क्या वाकई लड़के और लड़कियों की पसंद इतनी अलग होती है, या फिर पैदा होते ही हम उनमें ये फीड कर देते हैं कि तुम्हारे लिए ये बना है और तुम्हारे लिए वो? अगर किसी लड़के को डॉल्स दी जाएं तो क्या वो उनसे नहीं खेलेगा? नमस्कार, मैं हूं ईशा, और जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, मैं हूं डॉयचे वेले के ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में। जिस ज़माने में हम रेडियो करते थे, यहीं से करते थे, आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। कहानियाँ बहुत लंबी हैं तो पढ़नी तो मुझे कागज़ से ही पढ़ेंगी। तो आज की कहानी है उस लड़की की जिसकी मम्मी ने कहा कि मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, और वो बन गई दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। वो कौन थी? कहां से शुरू करूं आज का किस्सा? शुरू से ही शुरू करती हूं। बात है 1815 की, यानी बहुत ही पुरानी, 200 साल से भी ज्यादा पुरानी, तब की जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। आज का किस्सा एक ऐसी लड़की का है जो लंदन के एक रईस खानदान में पैदा हुई थी। उसके पिता थे लॉर्ड बायरन। अब जिसके नाम में ही लॉर्ड होगा तो वो रईस तो होगा ही, लेकिन ये सिर्फ अमीर ही नहीं, मशहूर भी थे, उस जमाने के अंग्रेजी के मशहूर पोएट। ये जितनी रोमांटिक पोएट्री लिखा करते थे, उनका मिजाज भी उतना ही रोमांटिक था। तो लॉर्ड बायरन की एक अप सोसाइटी पार्टी में मुलाकात हुई एन इजाबेल से। घर वालों ने रिश्ते की बात चलाई, शादी हो गई। घर वालों को यह नहीं पता था कि साहब का पहले से ही कहीं और चक्कर चल रहा था। खैर, शादी के बाद तो सब ठीक हो जाता है ना। तो शादी हो गई, एन प्रेग्नेंट भी हो गई। अब ये ठहरे लॉर्ड बायरन, इन्होंने उम्मीद लगाई बेटे की, लेकिन हो गई बेटी। तो साहब परेशान। अब अगर बेटा हुआ होता तो गर्लफ्रेंड को छोड़ भी देते, लेकिन बीवी ने तो सारा प्लान ही गड़बड़ा दिया। तो इन्होंने पत्नी को चिट्ठी लिखी कि बच्चा लेकर यहां से चली जाओ। इससे पहले कि पत्नी कोई कदम उठाती, साहब खुद ही घर छोड़कर चले गए और कभी नहीं लौटे। इस बच्ची का नाम रखा गया एडा। एडा ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। इनफैक्ट वो सिर्फ 8 साल की थी जब पिता की मौत हो गई। है, ये हमारी कहानी की मेन ट्रेजेडी नहीं है। तो हुआ यूं कि माँ ने कहा कि बाप तो था आवारा पागल दीवाना, बच्चा मुझे ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए 20 साल की उम्र तक तो एडा को पिता की तस्वीर तक देखने को नहीं मिली। वैसे तस्वीर से मेरा मतलब पेंटिंग से है, तब तक कैमरे नहीं बने थे। तो माँ को डर था कि बच्ची भी कहीं शेर व शायरी के चक्कर में ना पड़ जाए, तो उन्होंने तय किया कि एडा को कराई जाएगी खूब सारी पढ़ाई। अब ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं 1815-1820 की। उस वक्त आज की तरह स्कूल्स नहीं थे। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज तो बहुत पहले से एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन लड़कियों ने यहाँ जाना शुरू नहीं किया था। यानी बात हो रही है मर्दों की दुनिया की। इस दुनिया में जिसके पास पैसा था, वो घर पर अपनी बेटियों को प्राइवेट ट्यूशंस लगवा देता था। स्टेटस सिंबल की भी बात थी। एडा की माँ ने भी इसी तरह पढ़ाई की थी, और एडा के लिए भी उन्होंने यही तय किया। लंदन के बेस्ट टीचर्स एडा को पढ़ाने घर आते थे। वो उसे लिटरेचर पढ़ाते, हिस्ट्री पढ़ाते, फिलॉसफी पढ़ाते, और सबसे ज्यादा फोकस था साइंस और मैथ्स पर। एक तो इसलिए कि एडा लॉजिकल इंसान बने, पिता की तरह रोमांटिक नहीं, और दूसरा इसलिए क्योंकि ये माँ के भी फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। माँ की सोशल लाइफ काफी बिजी थी, तो एडा की परवरिश ज्यादातर नैनी ने की, और नैनी के गुजर जाने के बाद नैनीज ने की। एडा काफी स्मार्ट थी, अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन पढ़ाई में एकदम तेज, और मशीनों से तो उसे बहुत प्यार था। वो सिर्फ 12 साल की थी जब उसने फ्लाइंग मशीन बनाने की ठान ली थी। इसके लिए उसने पक्षियों के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से स्टडी किया था, अलग अलग तरह के मटेरियल के इस्तेमाल से पंख बनाने की कोशिश की, कई स्केचेस बनाए। वो स्टीम इंजन के इस्तेमाल से ऐसी मशीन बनाना चाहती थी। राइट ब्रदर्स ने पहला एयरप्लेन बनाया था 1903 में, और एडा 1828 में ही फ्लाइंग मशीन बनाने की तैयारी कर रही थी। खैर, ये मशीन तो नहीं बनी, लेकिन कुछ साल बाद एडा एक दूसरी मशीन बनाने वाले शख्स से मिली,
इनका नाम था चार्ल्स बैबेज। ये बना रहे थे एक तरह का कैलकुलेटर। इसे उन्होंने नाम दिया था डिफरेंस इंजन। करना क्या था इस मशीन को? ये स्टीम इंजन से चलने वाली एक ऐसी मशीन थी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर सके। 2 फीट ऊंची इस मशीन में पीतल के 2000 पुर्जे लगे थे। एडा की मुलाकात बैबेज से हुई एक पार्टी में। एडा की उम्र तब 17 साल थी, लेकिन उसके इंटरेस्ट को देखकर बैबेज ने कहा कि आओ और आकर देखो कि मेरी मशीन कैसी है, और तुम्हें भी कोई आइडिया आता है उसे बेहतर बनाने का तो बेशक बताओ। बैबेज उस जमाने में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथ्स पढ़ाते थे। वो उसी पोजिशन पर थे जिस पर कभी आइज़क न्यूटन रहे थे। हाल के सालों की बात की जाए तो स्टीफन हॉकिंग्स ने भी वही पोजिशन संभाली थी। तो इतने बड़े प्रोफेसर की बनाई मशीन को देखना अपने आप में एक बड़ी बात थी। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में लड़कियों का दाखिला ही नहीं था, तो एडा का लैब तक पहुंचना वाकई बहुत ही बड़ा काम था। मशीन देखने के बाद एडा ने बैबेज से उसके ब्लूप्रिंट्स ही मंगा लिए। कहा, मुझे भेजिए, मैं मशीन को ठीक से समझना चाहती हूं। यहां से शुरू हुई दोस्ती 17 साल की एडा और 42 साल के बैबेज की। बैबेज ने एडा को छोटा बच्चा जान के इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसकी हर सलाह को बहुत सीरियसली लिया। लेकिन 2 साल बाद एडा की हो गई शादी विलियम किंग के साथ। शादी के कुछ ही साल बाद उन दोनों को टाइटल मिला अर्ल एंड काउंटेस ऑफ लवलेस का, इसीलिए आज हम उन्हें एडा लवलेस के नाम से जानते हैं। अब वो परिवार में बिजी हो गई, फिर एक के बाद एक 3 बच्चे हुए, वो उनके साथ मसरूफ हो गई। लेकिन बैबेज की मशीन को वो भूली नहीं थी, और चिट्ठियों के जरिए वो बैबेज के साथ कॉन्टैक्ट में भी रहती थी। इस बीच बैबेज डिफरेंस इंजन को छोड़कर एक दूसरी मशीन बनाने लग गए थे, एनालिटिकल इंजन। ये डिफरेंस इंजन से कई गुना ज्यादा स्मार्ट मशीन थी। इसमें प्रिंटर भी लगना था, इसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करने थे। तो अब हुआ यूं कि बैबेज एक बार एक लेक्चर देने इटली गए। अब तक उन्होंने एनालिटिकल इंजन पर कोई किताब, कोई लेख नहीं लिखा था। तो जहां वो लेक्चर दे रहे थे, वहां बैठे थे एक इंजीनियर जिनका नाम था लुइजी फेडेरिको मेनाब्रिया। अब यहां से शुरू होता है हमारी कहानी का ट्विस्ट। वैसे लुइजी फेडेरिको बाद में जाकर इटली के 7वें प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, वो भी आगे आएगा। तो लुइजी फेडेरिको ने अच्छे स्टूडेंट की तरह पूरे लेक्चर के नोट्स लिख लिए और फिर इन्हें छाप भी दिया फ्रेंच में। जब एडा को इसके बारे में पता चला तो उसने बैबेज से पूछा कि क्या मैं इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दूं। इस सवाल की एक वजह थी, एडा की एक ट्यूटर थी मैरी सोमरविल, उन्हीं के जरिए एडा की बैबेज से मुलाकात भी हुई थी। वो उन चुनिंदा महिलाओं में थी जिनका इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स के साथ उठना बैठना था, और उन्होंने भी शुरुआत इसी तरह रिसर्च पेपर्स की ट्रांसलेशन से ही की थी। तो एडा को भी लगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैबेज ने उसे कहा कि अरे, तुमने तो मशीन देखी है, तुम तो अपना खुद का पेपर लिख सकती हो, तुम्हें ट्रांसलेशन करने की क्या जरूरत है। लेकिन एडा का मन था तो वो मान गए। अब अनुवाद के दौरान एडा को कई गलतियां दिखी। कई जगह उसे लगा कि जानकारी अधूरी है, यहां थोड़ी और डिटेल्स आनी चाहिए। तो बैबेज ने उसे समझाया कि तुम इसमें अपने नोट्स ऐड करती जाओ। एडा जब भी कोई नोट लिखती तो चेक कराने के लिए बैबेज को भेज देती। इन दोनों की चिट्ठियां अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आज के जमाने में लोग ऑफिस में ईमेल्स भेजते। पहले एक लाइन का सवाल, फिर उसका जवाब, फिर जवाब में से सवाल, स्टेटस अपडेट। बस फर्क ये था कि तब FYI और ASAP नहीं लिखा जाता था, विक्टोरियन इंग्लिश होती थी। तो जब काम पूरा हुआ तो पता चला कि नोट्स ट्रांसलेशन से 3 गुना ज्यादा लंबे थे। यानी जब किताब छपी तो उसमें ज्यादातर काम तो एडा का ही था। और इसमें सबसे कमाल की बात यह थी कि मशीन की पड़ताल करते हुए एडा ने यह सजेस्ट किया कि इसे सिर्फ नंबर्स के लिए ही नहीं, बल्कि वर्ड्स के लिए, म्यूजिक के लिए, इमेजेस के लिए, किसी भी चीज के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। और ये है हमारी कहानी का ट्विस्ट, क्योंकि यहां तक तो अब तक बैबेज साहब ने भी नहीं सोचा था। वो तो सिर्फ अटके थे नंबर्स पे, उन्हें सिर्फ बनाना था एक कैलकुलेटर। लेकिन एडा ने अपने नोट्स में पूरी डिटेल में बता दिया कि ये प्रोग्रामिंग कैसे हो सकती है। यानी उन्होंने लिखा दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम 1843 में,
जबकि दुनिया का पहला फंक्शनल कंप्यूटर इसके 100 साल बाद जाकर बना। अपने वक्त से कितना आगे का सोच रही थी एडा। ये सही है कि ये कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, लेकिन एडा ने इसमें जिस तरह से बदलाव किए, जो डिटेल्ड स्केच तैयार किए, जिन पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया, सालों बाद बैबेज ने खुद ये माना था कि अपनी ही बनाई मशीन की इतनी अच्छी नॉलेज उन्हें खुद भी नहीं थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बैबेज शुरू में डिफरेंस इंजन बना रहे थे, जो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। उस मशीन पर ब्रिटिश सरकार के 17,000 पाउंड लगे थे, आज के ज़माने में कैलकुलेट करें तो करीब 20 लाख पाउंड के बराबर। अब क्योंकि बैबेज ने मशीन कभी डिलीवर ही नहीं की, तो सरकार उनसे खफा थी। इतने पैसे बर्बाद करने के बाद जब बैबेज ने कहा कि अब नई मशीन पर पैसा लगा दीजिए, तो जाहिर है सरकार ने मना कर दिया। एडा की किताब जब छपने जा रही थी तो बैबेज ने बहुत जोर दिया कि वो उसमें ये भी लिखे कि सरकार कंप्यूटर बनाने में साथ नहीं दे रही। लेकिन एडा ने बैबेज की बात नहीं मानी। वो एक साइंटिफिक पेपर लिखना चाहती थी, पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहती थी। पर फंडिंग ना मिलने की वजह से डिफरेंस इंजन की ही तरह एनालिटिकल इंजन भी कभी नहीं बना। किताब छपने के बाद एडा इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में काफी पॉपुलर हुई, लेकिन वो करियर में आगे बढ़ सकती इससे पहले ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। पहले कॉलरा हुआ, फिर कैंसर, और उस जमाने में तो कैंसर का कोई इलाज था नहीं। 17 नवंबर 1852 को महज 36 साल की उम्र में एडा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि डॉक्टरों ने तो इससे बहुत पहले से ही हाथ खड़े कर दिए थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो एडा की अच्छी दोस्त थी। उन्होंने लिखा था, वो सब कहते थे कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, लेकिन ये तो उसका तेज दिमाग था जो उसे मरने ही नहीं दे रहा था। चार्ल्स डिकिंस भी उनके करीबियों में से एक थे। मौत से कुछ दिन पहले एडा ने उन्हें अपने घर बुलाया था। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि डिकिंस उन्हें अपनी किताब में से मौत से जुड़ा एक किस्सा पढ़कर सुनाए। एडा की एक और ख्वाहिश थी, थोड़ी अजीब सी। उन्होंने अपनी जान पहचान के सब लोगों से कहा कि मैंने आज तक जिस जिस को भी चिट्ठी लिखी है वो सब वापस कर दें। सबने की भी, और उन्होंने वो चिट्ठियां जलवा दी। बस बैबेज थे जिन्होंने एडा की ये बात नहीं मानी, और अच्छा ही हुआ ना नहीं मानी, क्योंकि आज उन्हीं चिट्ठियों को पढ़कर तो हमें पता है कि एडा कितनी बड़ी जीनियस थी। लेकिन क्या आपको पता है कि एडा की मौत के 100 साल बाद तक भी दुनिया का एडा में कोई इंटरेस्ट नहीं था? 1980 के दशक में अमेरिकी सेना ने अपने एक प्रोग्राम का नाम रखा एडा। इससे लोगों में क्यूरियोसिटी जगी कि भाई ये एडा कौन है, और जब एडा की कहानी निकल कर आई तो ये क्यूरियोसिटी भी जगी कि वो जो मशीन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वो काम की भी थी या नहीं। तो 1991 में लंदन साइंस म्यूजियम में डिफरेंस इंजन को रिक्रिएट किया गया। ये 5 टन भारी था, एंड गेस व्हाट, मशीन ने काम किया। और तो और कमाल की बात ये भी है कि इस पर एग्जैक्टली उतनी ही लागत आई जितनी बैबेज ने कैलकुलेट की थी। इससे पहले 1950s में एलन ट्यूरिंग नाम के एक मैथमेटिशियन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार लिखे, और इसमें एडा लवलेस को कोट करते हुए कहा कि उन्हें लगता था कि कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकते हैं, वो सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना उन्हें प्रोग्राम करके करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कंप्यूटर को खुद सोचने लायक भी बनाया जा सकता है। यहां से भी एडा लवलेस पर चर्चा शुरू हुई। जो लोग उन्हें नहीं भी जानते थे वो उनके बारे में पढ़ने लगे। आज हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुमकिन है, लेकिन 200 साल पहले इसकी कल्पना भी मुमकिन नहीं थी। ऐसे वक्त में एडा का इस बात को मेंशन करना ही दिखाता है कि वो कहां तक सोच रही थी। एडा जब छोटी थी तो उसके एक टीचर थे, ऑगस्टस डे मॉर्गन, उस जमाने के जाने माने मैथमेटिशियन थे। एडा बचपन में काफ़ी बीमार रहा करती थी, तो वो अक्सर कहते थे कि इतनी पढ़ाई मत किया करो, क्योंकि लड़कियों का शरीर, उनका दिमाग इतना स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बना है, इसलिए बार बार बीमार हो जाती हो। घर के बड़े अक्सर ऐसा करते हैं ना, ये भले ही उनका प्यार और कंसर्न दिखाने का तरीका होता है, लेकिन लड़की हो इसलिए कोई काम ना करो, ये क्या लॉजिक हुआ? कोई आदमी कंप्यूटर प्रोग्राम बना सके, उससे 100 साल पहले एडा ने दिखाया कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, तो सोचिए उसका दिमाग कितना तेज चलता होगा। इसलिए लड़कियों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और अगली बार किसी बच्ची के लिए कोई गिफ्ट लेने जाएं तो सोचिएगा जरूर
कि डॉल की जगह क्यों ना उसके लिए भी रोबोट ले लिया जाए।